हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय लर्न शॉर्ट एंड इंग्लिश पंजाबी एंड हिंदी यूट्यूब चैनल। ते आज असी करांगे चैप्टर 23 दी हैविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2। सो इस चैप्टर विच दस्या कि भी एम एन और डाउनवर्ड एल ते आर, एम नू असी हाफ करिए और डार्क करिए तां इहदे विच डी दी एडिशन हो जाती है, एम डी। एन नू हाफ करिए डार्क करिए तां इहदे विच एन डी डी दी एडिशन हो जाती है। डाउनवर्ड एल हाफ करिए ते उहदे विच थिक करिए तां उहदे विच डी दी एडिशन। डाउनवर्ड आर नू हाफ करते हुए डार्क लिखिए तां इहदे विच भी डी दी एडिशन हो जाती है। जे इन्हां नू असीं लाइट रहन दांगे तां इन्हां विच सिर्फ टी दी एडिशन होएगी, जे डार्क करांगे हाफ करके करते हुए तां इन्हां विच डी दी एडिशन होएगी। जिवें कि वर्ड मेट, एम नू हाफ कीता तां विच टी दी एडिशन होगी, मेट। एम नू टी वास्ते हाफ कर लिया, बट मेड एम नू हाफ करांगे डी वास्ते थिक भी करांगे, मेड डार्क करांगे ते हाफ करांगे तां डी दी एडिशन हो जाएगी। एम्ड, ए वाउल है सैकेंड प्लेस स्ट्रोक ऑन द लाइन, ते एम नू असीं डार्क भी करांगे हाफ भी करांगे तां डी दी एडिशन हो जाएगी। एम सिंपल लिखे दा एम पूरा ते हाफ करिए थिक करिए तां एम्ड। टिमिड, इस तरह ही टी एम नू हाफ करांगे टिमिड, डी दी एडिशन हो जाएगी टिमिड। इस तरह ही नैक्सट वर्ड है नीट, एन नू हाफ करिए और लाइट रहन दईए तां इहदे विच टी दी एडिशन होगी, नीट। जिवें कि वर्ड नीट थर्ड प्लेस वाला इसलिए ऑन द लाइन, बट नीड डी वास्ते नू हाफ करांगे और डार्क भी करांगे तां एन विच डी दी एडिशन हो जाएगी, नीड। थर्ड प्लेस वाला इसलिए एन हाफ ऑन द लाइन। ओल्ड, डाउनवर्ड एल नू हाफ करते हुए थिक करांगे तां विच इहदे विच डी दी एडिशन हो जाएगी। जिवें कि वर्ड ओल्ड, ओ सैकेंड प्लेस वाउल है तां इस करके इहनू असीं ऑन द लाइन लिखांगे। सो नैक्सट वर्ड है आर्ट, आर नू हाफ करिए ते इहदे विच टी दी एडिशन हो जाएगी, जिवें कि वर्ड आर्ट। एयर्ड, जदों ए आर नू ए सैकेंड प्लेस वाउल है डाउनवर्ड नू हाफ करांगे तां विच डी दी एडिशन हो जाएगी, यानी कि एड सैकेंड प्लेस वाउल है। सो नैक्सट वर्ड है जदों एल दे नाल कोई सर्कल हुक लूप नहीं लग्या होया तां इहनू असीं डी वास्ते हाफ कर लवांगे, जिवें कि वर्ड एल्ड तां एल नू डी वास्ते हाफ कीता और थिक कीता। बट जे वर्ड हुंदा स्टाइल्ड फिर एस टी दा लूप असीं हाफ स्ट्रोक एल नू नहीं लवांगे, क्योंकि स्ट्रोक पहली हाफ है तां एस टी लूप दी लेंथ भी हाफ स्ट्रोक जिन्नी है, सो स्ट्रोक एल पूरा लिखांगे। एस टी दा लूप आई वावल बिफोर एल स्टाइल्ड। सो सोल्ड, ओल्ड वर्ड जिमें कि डाउनवर्ड एल थिक करके गूढ़ा करके लिखांगे तो डी दी एडिशन होगी ओल्ड, बट जे सोल्ड सर्कल आ गया एल डी तो पहला तां स्ट्रोक असी पूरा लिखांगे, सोल्ड एल पूरा और डी पूरा।
होल्ड एच टिक एल ते डी होल्ड पूरा लिखांगे क्योंकि सर्कल पा के एल नूं ही डाउनवर्ड लिखन दा कोई प्रोविजन नहीं इस करके एल पूरा ही पाना पेगा। इत्थे एस टी दा लूप वैसे नहीं लग सकता हाफ लेंथ स्ट्रोक नूं ते एच टिक पा के एल नूं डाउन करन दा कोई प्रोविजन नहीं कोई रूल नहीं। सो इस तरह अगर एल और डी दरम्यान वॉवल आ जाए तो फिर असी स्ट्रोक एल और डी पूरा यूज करते हैं जिमें वर्ड पेल्ड पी एल डाउनवर्ड यूज हो जाएगा इतने एल नो डाउनवर्ड लिखते हुए थिक करांगे और हाफ करांगे तो डी दी एडिशन हो जाएगी पेल्ड बट पैलेड पी एल ते डी स्ट्रोक पूरा लिखांगे अबव द लाइन पी क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवल है एल डी दे दरम्यान वॉवल तो स्ट्रोक पूरा यूज होएगा। मार्ड एम आर डाउनवर्ड जिहड़ा हाफ करके लिखांगे थिक कर देंगे लिखते हुए तो ये डी दी एडिशन हो जाएगी तो मार्ड वर्ड हो गया। लेकिन जे हो मैरिड आर और डी दरम्यान वोवल है तो आर स्ट्रोक ते डी स्ट्रोक पूरा यूज होएगा मैरिड फिर असी आर नू डी वास्ते हाफ नहीं करांगे जिमें कि पैलिड ये च नहीं किया मैरिड च नहीं करांगे। वट सोल्ड आर नू डाउनवर्ड लिखते हुए थिक करांगे तो विच डी दी एडिशन हो जाएगी सोल्ड ते जे विच वोवल आ जाए आर डी दे दरम्यान जिमें कि सोरोड आर और डी तो आर स्ट्रोक असी डी वास्ते हाफ नहीं करांगे बल्कि स्ट्रोक पूरा यूज करांगे सोरोड। सो इस तरह वर्ड है होल्ड होल्ड एच टिक ते आर नू असी डी वास्ते हाफ किया और थिक किया ता डी दी एडिशन होगी होल्ड बट हरीड आर डी दे विचकार वोवल है तो इन्हों असी हाफ नहीं करांगे जिमें कि हरीड एच आर ते डी स्ट्रोक पूरा यूज करांगे हरीड। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि जेड़ा एल नू असी पिछे चैप्टर पढ़ के ही कंपाउंड कॉन्सोनेंट उहदे मुताबिक बेसिक एल तो साडा ए हैगा जिहनू असी थिक करदे ही गूढ़ा करदे ही तो इहदे विच आर दी एडिशन हो जाती ही लर बन जाता सी आर डाउनवर्ड नू गूढ़ा करदे ही आर बेसिक आर ए है साडे कोल जिहड़ा लाइट है तो एल भी लाइट है बट जो डाउनवर्ड लिखते हुए डार्क किया तो ये आर दी एडिशन होगी यानी कि रर ते हुण साढ़े कोल बेसिक एल सी तो उन्होंने असी हाफ किया डाउनवर्ड तो डी दी एडिशन होगी। सो कहन दा भाव है कि एल तो बनया होया एल आर नूं ही हाफ करके लर्ड एल ई आर डी नहीं पढ़ सकते ते इस तरह ही बेसिक आर जड़ा उन्हों असी गूढ़ा किते ही ता आर दी एडिशन होगी रर जे नू हाफ करिए ता इहदे विच डी दी एडिशन हो जाती है रर्ड आर डी। सो कहन दा भाव है कि एल आर जो एल बेसिक नू ही डार्क करते हैं तो उहदे आर दी एडिशन हो जाती है फिर इनू एल आर नू असी डी वास्ते नहीं हाफ करांगे यानी कि जे अही कहीए कि एल आर डी बन जाए ये गलत है क्योंकि असी ऑलरेडी उपर तो ही देख रहे हो इन्होंने वर्ड के ऑलरेडी डी वास्ते हाफ कर चुके हैं डाउनवर्ड एल नू लिखते हुए हाफ करते हैं डाउनवर्ड लिखते हुए और थिक करते हैं तो डी दी एडिशन हो जाती इस करके
इनू नहीं असी हाफ करांगे, असी बेसिक एल नू हाफ करांगे। इत्थे बेसिक एल तो ही ये बनया तो चार दी एडिशन हो गई, बेसिक एल नू असी हाफ किया था विच डार्क किया था तो डी दी एडिशन हो गई। सो ये एल आर ही रहेगा और हाफ करे तो एल डी रहेगा। इनू असी हाफ करके एल ई आर डी नहीं बना सकते, यानी एल आर डी नहीं बना सकते, लर्ड तो रर्ड नहीं बना सकते। सो नैक्सट असी इन्हों रिलेटड वर्ड दे रहे हैं, जिमें कि वर्ड साढ़े को आता वर्ड आप रिलेटड तो उपर कर ही आए हैं, इस करके ये वक्रे तौर पर यही मैं दसिया कि भी इनू हाफ कर आर डी एडिशन डी दी एडिशन नहीं होएगी, एल आर नू हाफ करना तो आर आर नू हाफ करना डी दी एडिशन नहीं होएगी, बल्कि आर डी और एल डी और आर डी ही बन जाएगा। सो इस तरह नैक्सट पॉइंट आ जाता साढ़े को एम, बेसिक एम जिहड़ा साढ़े को लाइट है और बेसिक एम नू जदों असीं हाफ करते हैं और थिक करते हैं तो डी दी एडिशन हो जाती है, एम डी बन जाता है। तो जदों बेसिक एम नू असीं डार्क करते हैं पूरे का पूरा ही लिखते हैं डार्क करके तो ये पी दी और बी दी एडिशन हो जाती है, एम पी और एम बी पढ़ सकते हैं इनू असीं। तो जे असीं कहीए कि एम पी एम बी नू हाफ करिए वह एम पी डी बन जाएगा या एम बी डी बन जाएगा, नहीं ये गलत है, क्योंकि एम नू बेसिक एम नू असी पहले ही हाफ कर लिया और डी वास्ते गूढ़ा भी किया डार्क भी किया थिक भी किया तो वह डी दी एडिशन हो गई, तो इस तरह करना गलत होएगा। बट बेसिक एम जिहड़ा है साढ़े कोल इनू डार्क किए हुए एम नू आप हाफ नहीं करेंगे, अं बेसिक नू ही हाफ करेंगे, तो बेसिक तो ही यह बनया। तो बेसिक एम नू जो असी हाफ किया सी तां गूढ़ा किया सी तां एम पी और एम बी बन गया सी, लेकिन एम पी एम बी नू असी हाफ कर सकते हैं हुक लगा के, जिमें एम पी नू आर हुक लाई तो एम पी आर डी बन जाएगा, डी वास्ते भी हाफ हो जाएगा और आर दी हुक भी लग जाएगी, एम पी आर डी और एम बी आर डी दोनों वास्ते पढ़ लेंगे एम पी और एम बी। बल्कि जे असी इस तरह करेंगे भी हाफ करके एम पी एम बी नू हाफ करके इत्थे लिखिए तो कहिए कि भी एम पी डी बन गया एम बी डी बन गया, वो गलत है। सो नैक्सट वर्ड ये रिलेटड ने, जिमें कि वर्ड इंप्यूट, इंप्यूट जिमें कि असी लिखते हाँ टी जड़ा पूरा पावांगे हाफ नहीं करांगे, जे इनू हाफ कर दिया तो वह एम डी बन जाएगा, इंप्यूट इंप्यूट। बट हैम्पर्ड इत्थे असी एम पी नू हाफ करांगे हुक लगा के कर सकते हैं, हैम्पर्ड एम पी नू एम पी दी फॉर्म नू एम तो बनता है डार्क करके एम पी और एम बी, अगर इनू असी हुक लगा इस तो अगे डी आ जाए आर डी तो फिर असी इनू हुक लगा के डार्क करके जो लिखते हाँ तो ये आर डी दी एडिशन हो जाती है, जिमें कि हैम्पर्ड इंब्यूड इंब्यूड जदों एम बी तो बाद डी दी साउंड है फिर असी एम बी नू हाफ नहीं करते बल्कि स्ट्रोक डी पूरा पाते हैं, जे इंप्यूट है तो टी पूरा पावांगे। बट जे वर्ड आ जाए रैम्पर्ट तां असी एम पी नू आर हुक ला के टी वास्ते हाफ कर सकते हैं, इस तरह है हैम्पर्ड और रैम्पर्ड वर्ड बन जाएगा। सो नैक्सट है साढ़े कोल इंग एन,
बेसिक एन जिहड़ा असी लिखते हाँ लाइट है, बट जदों उन्हों असी हाफ करके लिखते हाँ तां इह विच एन डी दी एडिशन हो जाती है। एन दे विच हाफ करके थिक करके लिखिए तां डी दी एडिशन हो जाती है। और जे नूं असी लाइट ही लिख दईए एन तां फिर इहदे च टी दी एडिशन हो जाती है। सो कहिंदा बाबा इंग इंग नूं असी हाफ करके नहीं लिखांगे। जे असी कहीए कि इंग नूं हाफ करके तो उहदे विच डी दी एडिशन हो जाएगी, जिवें कि इहनूं हाफ कीता तां इंग डी बन जाएगा। नो, यह गलत है, क्योंकि एन नूं असी लिखते हुए डार्क किया तो विच डी दी एडिशन हो जाती है। सो इस तरह नैक्सट वर्ड है, पॉइंट है, इंग नूं असी आर हुक लगा के डी वास्ते हाफ कर सकते हैं। जिवें कि वर्ड बिलोंगड तां असी लिखांगे बी एल इंग ते डी, डी वास्ते इंग नूं हाफ नहीं करांगे। तां जे अजे वर्ड लिंगर्ड इंग आर ते डी, तां असी इंग नूं आर हुक लगा के डी वास्ते हाफ करके लिख सकते हैं। एल इंग नूं आर हुक ते हाफ लिंगर्ड। सो इस तरह ही नैक्सट वर्ड है इंप्यूंड, आई एम पी, इनू अगर एम पी नूं एन हुक लगी हुए तां डी वास्ते नूं अहीं हाफ कर सकते हैं इंप्यूंड। जिवें कि असी आर हुक ला के डी वास्ते इदा किया ते एन हुक ला के डी वास्ते इदा कर सकते हैं एम पी एन डी, तो साढ़े कोल फॉर्म बन जाती है एम पी एन डी, एम बी एन डी, एम पी एन डी ते एम बी एन डी, इंप्यूंड। सो इस तरह ही नैक्सट पॉइंट है, वर्ड है पार्ट, जिवें कि अपवर्ड आर ते एल हाफ जो ही करते हैं, जनरली अपवर्ड यूज़ करते हैं, जनरली ये आर टी और एल टी अपवर्ड यूज़ होंगे। जिवें कि पेल्ट एल अपवर्ड पेल्ट, फोर्ट आर हाफ जिहड़ा टी वास्ते अपवर्ड, फोर्ट फॉल्ट एल टी दी हाफ फॉर्म अपवर्ड यूज होती है। जनरली हाफ आर टी एंड एल टी अपवर्ड लिखा जाता है। सो नैक्सट वर्ड है लेकिन एल और इंग तो बाद एल टी दी डाउन फॉर्म यूज होती है, जिमें इनलेट रिंगलेट एन और इंग तो बाद आफ्टर एन एंड इंग एल टी दी डाउन फॉर्म यूज करते हैं, डाउनवर्ड यूज होता। सो नैक्सट वर्ड है डवेल्ट, डबल्यू तो बाद एल टी दी डाउन फॉर्म यूज होती है, जे एल टी तो बाद वोवल एल नाल एल तो बाद वोवल ना हो, जिमें कि वर्ड डवेल्ट, बट
जे वर्ड ट्वाइलाइट तां एल दे नाल वाउल आ रहा है तां एल टी दी अपवर्ड फॉर्म यूज होंदी है तां एल टी असी अपवर्ड यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है आर डी। आर डी जिहड़ा जिवें कि वर्ड लार्ड ये भी जनरली अपवर्ड यूज किया जाता है जिमें कि आर डी लार्ड क्योंकि एल दे नाल असी इहदी हाफ फॉर्म आर डी दी लिखीए तां उह पढ़न विच क्लैरिटी नहीं आएगी इस करके आर टी दी अपवर्ड फॉर्म। कुछ वर्ड इहो जिहे इस तरह भी होणगे क्योंकि इस तरह आर डी लिखना कन्वीनियंट भी है ईजी ज्वाइनिंग भी है ज्वाइनिंग भी सही लगती है जिमें कि कलर्ड। सो कॉर्डेज के आर डी और जे कॉर्डेज। सो इसी तरह प्रेफर्ड एफ फुक ते आर डी अद्धा फॉर्म हाफ फॉर्म जी अपवर्ड यूज करेंगे प्रेफर्ड कॉर्डेज। सो फिर नैक्सट पॉइंट आ जाता साढ़े को शन हुक तो बाद एस टी दी अपवर्ड तो डाउनवर्ड फॉर्म यूज होती है। एस टी मीन हाफ एस टी एस असी पूरा लिखते हाँ तो हाफ करिए एस टी की एडिशन हो जाती है हाफ एस टी प्रोटैक्शनिस्ट। शन हुक दे नाल जदों एस टी की हाफ फॉर्म लगती है वह अपवर्ड तो डाउनवर्ड दोनों तरह लिखी जा सकती है जिमें कि प्रोटैक्शनिस्ट। हुण प्रोटैक्शनिस्ट पी आर हाफ करांगे के नूं शन हुक ते एस टी डाउनवर्ड यूज होगा प्रोटैक्शनिस्ट। पी आर नूं असीं टी वास्ते अदा किया के नूं शन हुक लाई ते ईस्ट एस टी दी हाफ फॉर्म यू डाउनवर्ड यूज होगी। एक्चुअली तो बेसिक एस जिहड़ा साढ़े कोल डाउनवर्ड ही है प्रोटैक्शनिस्ट बट शन हुक तो बाद यह हाफ फॉर्म इहदी अपवर्ड भी यूज हो जाती है जिवें कि प्रोग्रैशनिस्ट 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 इस्ट थर्ड प्लेस और प्रोग्रैशनिस्ट। सो नैक्सट वर्ड आ जाता साढ़े को अफोर्ड। जदों एफ तो बाद आर डी है तो यदि हाफ फॉर्म असी यूज कर सकते हैं अफोर्ड नेम्ड इस तरह के वर्ड भी असी एम एन डी की हाफ फॉर्म यूज कर सकते हैं नेम्ड। बट इस तरह के वर्ड आ जाते जो जिमें कि वर्ड कुकड फिर इनू असी हाफ नहीं करते जिमें के ओ डी स्ट्रोक पूरा यूज करेंगे जिमें कुक जे असी कि कक्का के और के हाफ नाल जोड़ता असी तो यह कुकड बन गया। इत्थे साढ़े जिहड़े एंगल इन्ह दोनों जोड़न का पॉइंट है जिहड़ा वह स्पष्ट नहीं हुंदा क्लीयर दिखाई नहीं दिंदा तो पढ़न च भी दिक्कत आएगी तो फ्लो विच लिखते हुए यह दोने के पढ़े जा सकते हैं कुक पढ़िया जा सकता यानी कि। सो इस हालत विच सानूं के नूं हाफ करन दी बजाय डी स्ट्रोक पूरा लिखना पेगा। सो इसी तरह ही वर्ड लुक लुकड जे असी लुक वर्ड इस तरह लिखी दे आ के पूरा पा के जे इहनूं कहीए कि लुक हाफ कर दिता असी तो सानूं हाफ दा और इहदा पढ़न दे विच दिक्कत आएगी क्योंकि क्लीयर नहीं है इत्थे भी कितने पहला के खत्म
एल कित्थे खत्म हो रहा है के हाफ कितों शुरू हो रहा है। सो उस हालत विच असी स्ट्रोक के पूरा ही यूज़ करेंगे तो डी स्ट्रोक पूरा यू लिखेंगे लुकड। सो इस तरह ही वर्ड आ जाता है प्रॉप्ड। इत्थे भी यही प्रॉब्लम है पी आर ते पी प्रॉप ते जे ही कि डी वास्ते ही अद्धा कर दिता नहीं पढ़िया जाएगा स्पष्ट नहीं है क्लीयर नहीं है ज्वाइनिंग ता फिर असी पी आर ते अगला पी वी ते डी स्ट्रोक पूरा यूज़ करांगे प्रॉप्ड। सो इस तरह वर्ड आ जाता है मिनट। जे एम एन हाफ पढ़न च दिक्कत आएगी अपन लिखन च भी फ्लो दे विच साढ़े कोल हाथ इस तरह चलता है कि भी एन पूरा ही लिख हो जाता उस हालत विच यह पढ़न विच दिक्कत आती है तो असी एन स्ट्रोक पूरा ही लिखेंगे और टी वी मिनट। फैक्ट एफ दे नाल हाफ के फिर पढ़ने च दिक्कत आएगी जिमें कि एल दे नाल के हाफ ता उस हालत विच भी असी टी स्ट्रोक पूरा ही लिखेंगे के स्ट्रोक पूरा लिखेंगे। इस तरह दोनों दे जॉइंट जिहड़े आ स्पष्ट ने इत्थे भी एन टी दा पी डी दा के डी दा ते पढ़न च दिक्कत नहीं आएगी लिखन च फ्लो च भी कोई फर्क नहीं पैंदा सवा कि फ्लो अच्छा रहेगा। सो टी दी जिहड़ी हाफ फॉर्म है टी ओ डी दी जिमें कि एटीट्यूड उन्होंने हमेशा असी डिसजॉइंट करके लिखते हैं एटीट्यूड एटीट्यूड आपां पंजाबी लोग एटीट्यूड चे ना पढ़ जाते हैं लेकिन चे इत्थे किते भी लिखन चे साउंड नहीं है एटीट्यूड ता एटीट्यूड इस तरह लिखांगे टी और डी हाफ जिहड़ा हमेशा डिसजॉइन करके लिखते हैं टी दे नाल टी ओ डी दे नाल। ते जिवें के वर्ड है ट्रीटड ट्री टी डी ली हाफ करके डिसजॉइन करके लिखेंगे ट्रीटड। ड्रेडड डी आर ड्रेफेडड डी नू डी वास्ते हाफ करके डिसजॉइन करके लिखेंगे। सो क्रेडिटड इहदे विच भी क्रेडी टड टी डी दी हाफां डिसजॉइन करके लिखेंगे। सो फिर इस तरह के इन अदर केसिज वर्ड इस तरह के आ जाते जिमें कि एप्टनेस ता ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪਟ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਡਿਸਜੋਇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਪਟਨੈਸ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਨੈਸ ਟਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਡਿਸਜੋਇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਪਟਨੈਸ ਟਾਈਟਨੈਸ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟਿੰਗਲੀ ਐਚ ਐ ਸਰਕਲ ਤੇ ਟੀ हेजीटेट इंगली डिसजॉइन करके लिख देंगे हेजीटेटिंगली एच एस सर्कल टेट इंगली हेजीटेट इंगली हेजीटेट इंगली। सो फिर पास्ट टेंस दे विच टी डी दी हमेशा हाफ फॉर्म यूज़ करते हैं टी दी जिमें पार्टड डड टड डड जिमें कि वर्ड पार्टड टी नू असी हाफ किता डी वास्ते पास्ट टेंस पार्ट सैकेंड फॉर्म जिन्हों कह पार्ट पार्टड दे विच पार्ट असी जिमें लिखते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਟੀ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟਡ ਉੱਥੇ ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਡ। ਬਰੇਟਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਟਡ ਕੇ
टी नू डी ली हाफ करता, कोटड ग्रेडड इस तरह ही डी नू डी ली हाफ कर देता। सो स्टूडेंट इसनू हाफिंग प्रिंसीपल नू असी फ्रेजियोग्राफी विच भी यूज कर सकते हैं, जिमें कि वर्ड अपने को आ जाता इफ इट इज, इफ इट असी लिखते हैं पूरा लिखिए इफ इट यही लिखते आ रहे हूँ तक। जे एफ नू असी टी वास्ते हाफ कर दिए ऑन द लाइन इफ इट ते इज दा सर्कल नाल लग जाएगा इफ इट इज। सो ये भी तुम पहला दसिया ही हाविंग स्ट्रोक जड़ा है फस्ट प्लेस वॉवल हो अबव द लाइन, सैकेंड ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस वॉवल हो भी ऑन द लाइन ही लिखा जाता है। सो इस तरह ही इफ इट इज जे फिर असी फ्रेजियोग्राफी विच नॉट वास्ते फ्रेज बना लेंदे हैं नॉट लगा के, जिमें आई एम असी इस तरह दे नॉट असी इस तरह लिखते सी। हुण इन्हां नूं असी इकट्ठे लिखिए आई एम नॉट वास्ते एन कला के एम नूं टी ली इदा कर दिता, एन कला के टी ली हाफ कर सकते हैं आई एम नॉट। इस तरह यू मे नॉट असी इस तरह लिखते ही, बट हूँ असी इनू यू एम नू एनू कला के मे टी वास्ते नॉट वास्ते अदा कर देंगे। एन दी हुक ते टी ली इदा किता ते नॉट दी एडिशन हो जाएगी मे दे विच, यू मे नॉट इफ इट इज। सो इस तरह ही वर्ड और वुड वास्ते भी असी इनू हाफ डबल्यू जड़ा यूज करते हैं, जिमें दिस वर्ड दिस असी लिखते हैं यार्ड वर्ड साढ़े को ग्रैमलॉग आया सी, दिस का भी ग्रैमलॉग आया सी, बट फ्रेजिज़ दे विच हाविंग प्रिंसिपल किवें अप्लाई करते हैं, दिस अद्धा डबल्यू वर्ड वास्ते असी यूज करते हैं दिस वर्ड और वुड वास्ते, जिमें कि वर्ड वी वुड बी पहला असी इस तरह लिखते सी, बट हूँ वी फ्रेज बनाइए तो हाविंग प्रिंसिपल स्ट्रोक वी वुड बी हाफ डबल्यू वुड वास्ते यूज कर लेंगे। तो इस तरह के फ्रेज भी बन जाते हैं जिमें एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टी नू ऑल दी हुक लाती, टाइम्स वास्ते टी ये आप हाफ करांगे, टाइम्स आप वैसे इस तरह लिखते हैं आ रहे हैं एट ऑल टाइम्स, एट ऑल नू ए टी वास्ते हाफ किया तो अगे एम लाता एट ऑल टाइम्स। सो इस तरह ही एबल टू मेक असी कंप्लीट पूरा लिखिए अलग अलग इस तरह लिख हों, बट एबल नू टी वास्ते टू वास्ते हाफ कर लेंगे, एबल टू मेक उस तरह ही पूरा जोड़ देंगे नाल। इस तरह स्टूडेंट ये साडा चैप्टर इत्थे खत्म हुंदा है। तो नेक्स्ट उस तरह ही वर्ड एक्सरसाइज आ जाती हैं, तो एक पेज पर तीन वर्ड लिख लो, फिर एक वर्ड दो वर्ड तीन लिख के उन्हां दी बाकी पिछली है सारी लाइन की प्रैक्टिस करो, तो इस तरह ही फिर अगले पेज पर तीन वर्ड ले लो, फिर उस तरह ही प्रैक्टिस करो, फिर अगले तीन, इस तरह दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस इस तरह ही करनी है। उस तो बाद फिर अपने को कुछ ग्रैमलॉग्स आ जाते हैं जिन्हां दे विच असी इस तरह यूज़ करांगे इन्हां ग्रैमलॉग्स नूं हाविंग स्ट्रोक्स दे हिसाब नाल, जिमें कि कैनोट के नूं एन हुक ला के असी टी ली हाफ कर देंदे हां अबव द लाइन लिखांगे, जेंटलमैन जां जेंटलमैन दोनों वास्ते जे नूं एन हुक ला के हाफ करके लिखते हैं, जेंटलमैन अबव द लाइन, जेंटलमैन वास्ते ऑन द लाइन लिखते हैं, पर्टिकुलर वास्ते पी नू आर हुक ला के अबव द लाइन पर्टिकुलर वास्ते, बट ओपरचुनिटी वास्ते पी आर हाफ हुकड फॉर्म जी ऑन द लाइन लिख देंगे पर्टिकुलर,
अपरचुनिटी और चाइल्ड वास्ते चे नू एल हुक हाफ हाफ स्ट्रोक करके अबव द लेन, बिल्ड और बिल्डिंग वास्ते बी नू एल हुक हाफ ऑन द लेन, बिल्ड बिल्डिंग, टोल्ड वास्ते टी नू एल हुक हाफ टोल्ड ऑन द लेन, ट्राइड वास्ते टी आर हुकड फॉर्म हाफ हाफ स्ट्रोक अबव द लेन, और ट्रेड टुवर्ड टी आर द हुकड फॉर्म हाफ ऑन द लाइन ट्रेड वास्ते भी और टुवर्ड वास्ते भी। टुवर्ड्स वास्ते एस सर्कल नाल लगा देंगे, हैंड वास्ते हाफ एन, एन डी वास्ते डार्क कर दे हैं, एन डी डी की एडिशन हो जाती है, इनू असी हैंड वास्ते यूज़ कर लिया, अबव द लाइन अंडर वास्ते ऑन द लाइन यूज़ कर लेंगे। सो इस तरह ही ग्रैमरोज इस चैप्टर च इन्ने कुछ दिते हुए से, ये प्रैक्टिस कर लियो। फिर नैक्सट उसी तरह ही एक पेज पर है जी है 89 एक्सरसाइज है, यदी जिनी शॉर्ट एंड लिख सकते एक लाइन च लिख के, फिर नैक्सट पेज पर जिनी लिख सकते हो, फिर अगले पेज पर जिनी लिख सकते हो, तो उन्होंने पूरा पूरा पेज प्रैक्टिस करो 89 एंड 90 एक्सरसाइज की। तो इस अगर फिर 89 90 एक्सरसाइज की मैं डिक्टेशन जल्द ही अपलोड कर देंगा। जे तुहानू मेरा चैनल मैथड पढ़ाउंदा अच्छा लग्या होवे तां इहनूं लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर कर देना, बैल आइकन भी प्रेस कर देना तां कि तुहानू आउण वालियां वीडियोज़ पहुँचदियां रहिण, ते कमेंट बॉक्स विच भी कमेंट भी जरूर दे दिया करो। सो फिर मिलदे आं अगली वीडियो विच, डोंट वरी बी हैप्पी।